लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के सियासत में बड़ी हलचल। कमलनाथ गुट और जीतू पटवारी आए एक साथ। जी हां, आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आई है। अमूमन गुटों में बढ़ती हुई नजर आने वाली कांग्रेस के अंदर से अब खबर सामने आ रही है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व सीएम कमलनाथ के गुट में समझौता हो गया है। कभी कभी अलग दिशाओं में चलते नजर आने वाले दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव में जी जान से कांग्रेस के लिए काम करने को लेकर सहमति बन गई है। ये सब हो पाया है कमलनाथ की बीजेपी में एंट्री रुक जाने की वजह से। जी हाँ, कमलनाथ बीते कुछ दिनों से पूरे देश की चर्चाओं के केंद्र में थे। हर कोई मान रहा था कि कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे बीजेपी और कांग्रेस में कमलनाथ को लेकर बहुत कुछ चला। बीजेपी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के दौरान नेताओं ने इस बात का विरोध किया कि कमलनाथ को बीजेपी में लाया जाए, जिसके बाद से उन बातों को विराम लग गया और खुद कमलनाथ को भी सामने आकर बोलना पड़ा कि वे बीजेपी में नहीं जा रहे हैं और ये सब मीडिया की कयासबाजी थी और वे जीवन प्रयत्न कांग्रेस में ही रहेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद जीतू पटवारी ने भी कमलनाथ के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा तक बता दिया, जिसके बाद ऐसा माने जाने लगा कि पार्टी के अंदर कमलनाथ और जीतू पटवारी की जो राहें अलग अलग दिखती थी, वो स्थितियां विपरीत देखकर एक साथ आने को मजबूर हो गई। कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच फोन पर चर्चा भी हुई थी, जिसके बाद कमलनाथ को लेकर जीतू पटवारी पॉजिटिव बयान देने लगे और इस बीच ये खबर आ रही है कि कमलनाथ गुट और जीतू पटवारी एक साथ हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जो हलचल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।